हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम बोट स्नेहा। आज के वीडियो में मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ और ये रिक्रिएशन होने वाला है आलिया भट्ट के मेकअप लुक का फ्रॉम हर लेटेस्ट मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो इस मूवी में उनका जो आई मेकअप है वो एक सटल स्मोकी आई मेकअप है और उनका जो लिप शेड है वो एक न्यू टोन सिलेक्ट किया गया है। तो ये मेकअप ऐसा है जो कोई भी कर सकता है और सच में इसे करना बहुत ही इजी है। बस आप इस वीडियो को देखते जाए और आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हो कि मैंने अपना बेस मेकअप और एक साइड आई मेकअप ऑलरेडी कर लिया। इस आई मेकअप को अचीव करने के लिए आपको चाहिए होगा या तो एक कोल आई पेंसिल या एक ब्लैक जेल आईलाइनर। दोनों ही ऐसे होने चाहिए जिसको आप स्मज कर सको, तो इनमें से कुछ भी चलेगा। और आपके पास होना चाहिए एक आई शेडो पैलेट जिसके अंदर आपके पास हो ब्राउन एंड ब्लैक आई शेडो के शेड। सबसे पहले ले रही हूँ ये ब्लैक जेल आईलाइनर, ये लॉरियल का है एंड आई रियली लाइक दिस। इसका फॉर्मुलेशन ऐसा है कि इसका जो जेल है ना वो ड्राई नहीं होता है, मतलब बहुत टाइम से है मेरे पास, अभी तक तो ड्राई नहीं हुआ है। अब इसको आपको अपने आईलैश के क्लोज लगाना है और आप अनइवन भी लगाओगे ना तो भी चलेगा। अब इसके लिए आप कोई भी अपना पतला सा ब्रश यूज कर सकते हो और आप देख सकते हो एकदम मैं अपने लैश लाइन की क्लोजली लगा रही हूँ। और इसके बाद हमें इसको स्मज ही करना है, इसलिए इट डजंट मैटर कि अगर आपका ये थोड़ा अनइवन भी लगा तो। अब मैं अपने आई शेडो पैलेट से एक डार्क ब्राउन शेड ले लूँगी अपने स्मजिंग ब्रश में। अब इस ब्रश की हेल्प से मैं अपने इस ब्लैक आई लाइनर को स्मज आउट कर दूँगी अपने एक डार्क ब्राउन शेड से। तो आपको ये थोड़ी जल्दी करना है इससे पहले कि आपका ये जो ब्लैक आईलाइनर है वो ड्राई हो जाए। आप देख सकते हो ये मैंने अच्छे से स्मज कर लिया है ये ब्लैक लाइन, और ये ब्राउन शेड के बीच में कोई इतनी हार्श लाइन नहीं दिख रही है, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं एक फ्लफी ब्रश लूँगी और उसमें एक लाइट ब्राउन शेड लूँगी। ये दोनों शेड्स को मैं मिक्स करके एक लाइट ब्राउन शेड बना रही हूँ और मैं टैप ऑफ कर दूंगी कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। अब ये जो लाइन ख़त्म हो रही है मेरी डार्क ब्राउन की, उसके ऊपर से मैं शुरू करूंगी और फिर बस इसे ब्लेंड करूंगी ताकि थोड़ा सा ये लाइट और सटल हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं अपना एक थिन ब्रश लूँगी और उसमें लूँगी अपने ब्लैक आई शेडो को। मैं इस ब्रश में ब्लैक आई शेडो ले लिया है। अब इसको अपने क्लोजेस्ट टू लैश लाइन लगा लूँगी ताकि मेरा जो ये डार्क ब्लैक कलर है वो अच्छे से दिखे। अब आप देख सकते हो मेरे को स्मोकी इफेक्ट मिल गया है, डार्क ब्लैक, उसके बाद वो थोड़ा सा लाइट हो रहा है, फिर एकदम लाइट हो गया। आप देख सकते हो ये मैंने बहुत ही ईजिली क्रिएट कर लिया और आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही ईजिली इस तरह का स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने अपनी ब्लैक आई पेंसिल ले ली और इससे मैं अपने वाटर लाइन पर लगा लूँगी और मैं इससे टाइट लाइनिंग भी कर लूँगी। मैं अपने पैलेट से डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, तो मैंने इस बार पतला फ्लफी ब्रश लिया है ताकि मुझे ज़्यादा प्रिसिशन मिले। और बस अब मैं अपने लोअर लैश लाइन के नीचे भी इस तरह से स्मचिंग कर दूंगी। एक लाइट ब्राउन शेड भी मैं यूज़ करूंगी और इसको वापस से यहाँ लगा लूंगी ताकि थोड़ा सा और ये जो है ये वाले पार्ट थोड़ा सा और लाइट हो जाए। मैंने सेम ब्रश में दूसरा लाइट कलर ब्राउन का ले लिया है एंड आई यूज इट टू जस्ट लाइटन दिस आउट। ओके, तो आई एम ऑलमोस्ट डन। अब बस मस्कारा का पार्ट बचा है। मैं फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाऊंगी इस लुक के लिए, मैं बस दो कोट ऑफ मस्कारा लगाऊंगी। पर उससे पहले मैं एक आईलैश कलर की हेल्प से अपने आईलैशेस को कर्ल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लैक में एब्सोल्यूट का मस्कारा ले रही हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इससे मुझे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम मिल जाती है। और मैं सारे प्रोडक्ट डिटेल्स को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप देख सको। तो जैसे ही ये एक लेयर ड्राई हो जाएगा मैं सेकेंड लेयर अप्लाई करूंगी और आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम मिल गया है मेरे आई लैशेस को। नाउ आवर आईज आर डन, अब मूव करते हैं अपने लिप्स पे और लिप्स पे हम लगाने वाले न्यूड शेड्स।
तो सबसे पहले मैं ये लिप लाइनर ले रही हूँ, शुगर ब्रांड का है, वूड बाई न्यूट शेड का नाम है, सो जैसा नाम है वैसा ही ये करता भी है। तो जल्दी से इसे लिप्स को लाइन कर लेती हूँ। लाइन के साथ साथ अब मैं अंदर भी अपने लिप्स के लगा लूंगी ये लिप शेड, लिप लाइनर। अब मैं ले रही हूँ रेनिक कॉस्मेटिक्स का ये लिप ग्लॉस और इसका नाम है पकड़ अप पीच, और मैं इसको अपने लिप्स पे लगा लूंगी। वाव, कितना सुंदर शेड है ये और क्या शाइन भी देता है ये लिप्स पे। बट अगर मैं इसे डायरेक्ट लगाऊँ ना तो इतना डार्क इफेक्ट नहीं आता, ये थोड़ा सा शेयर लुक में आता है, इसलिए मैं इस लिप ग्लॉस को हमेशा एक लिप लाइनर या लिप शेड के ऊपर लगाती हूँ। आप देख सकते हो ये लिप ग्लॉस का लुक कितना ग्लॉसी और सटल है और मुझे ये अच्छा लगता है लिप ग्लॉस। अच्छा, अभी ये मेकअप लुक ओवर नहीं हुआ है, एक और स्टेप बाकी है। मैं ब्लश लगाने वाली हूँ और ये मैं ले रही हूँ शुगर ब्रांड का पीच पीक शेड, और इसको मैं अपने चीक्स पे लगा लूँगी। थोड़ा पीची लुक अच्छा लगेगा इसके साथ, क्योंकि हमारा जो लिप शेड है वो भी न्यूड है पीची टोन में, क्योंकि हमारा आई मेकअप जो है वो स्मोकी है तो मोस्टली इस तरह के न्यूड लिप शेड जाते हैं। अगर आप अनकन्वेंशनल हो और क्रिएटिव हो और आप चाहते हो डार्क लिप शेड कैरी करना तो मेकअप में देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, इफ़ यू कैन कैरी इट वेल यू कैन ट्राई, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द लुक जो बेस्ट लगता है। अब मेरा मेकअप तो हो गया है बट फाइनल टचेस बाकी हैं, जो झुमका गिरा है उसे उठा के पहनना भी तो है, और जल्दी से मैं साड़ी ड्रेप करके आती हूँ, बिंदी लगाती हूँ एंड वापस मिलती हूँ अपने फाइनल लुक के साथ। तो ये है मेरा फाइनल लुक विद बिंदी और मेरी ये खूबसूरत सी साड़ी और मेरे झुमके के साथ। तो आप ज़रूर मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल लगा या नहीं, और ये लुक आपको ओवरऑल पसंद आया या नहीं। और इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, और मैं मिलूंगी सून आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।